समस्त यूट्यूब फैमिली को मालना ट्विंस उत्तराखंड की तरफ से सादर प्रणाम। और आज हम ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो एक बिजनेसमैन के साथ साथ उनका देश में इतना काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के गांव दूरस्थ सीमांत जो भी काम कर रहे हैं वो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। तो आदरणीय सम्मानित मदन मोहन बिश्ती जो एक उद्योगपति भी हैं और साथ साथ ही सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, और जितने भी स्कूल हैं 5 स्कूल में दो दो कंप्यूटर भी दिए, फर्स्ट सेकंड इनाम भी दिए, जो बच्चे आए स्कूल में उनसे आपके मुलाकात कराते हैं और वो अपने संक्षेप में कुछ परिचय बताएंगे। आदरणीय मदन बिश्ती जी, बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जितने भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, वो उसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि वो उत्साहित हों और प्रोत्साहित हों, साथ ही उनके आपस में एक प्रतिस्पर्धा भी बने और अधिक से अधिक बच्चे पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं, सफल हों और उच्च शिक्षा के प्राप्ति के लिए आगे अग्रसर हों। अभी तक हमने 5 स्कूलों में ये कार्यक्रम किए हैं, और जिसमें कि हमने 10वीं और 12वीं के बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड आने में पुरस्कृत किया है, और अभी 4 स्कूलों में हमने दो दो कंप्यूटर भी वितरित किए हैं। उसके पीछे भी हमारा उद्देश्य है कि जिस तकनीकी शिक्षा से बच्चे वंचित रहते हैं हमारे क्षेत्र के, पहाड़ी क्षेत्र के, उन बच्चों को वो शिक्षा मिले और वो उस शिक्षा से वंचित ना रहें और आगे बढ़ें, यही हमारा ध्येय है। और हमारे साथ अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रजत जोशी जी भी हैं, जो कि हमेशा हमारे साथ साथ रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। और मैं भी अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा में उपाध्यक्ष के रूप में हूँ, तो उत्तराखंड अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा भी हमारा एक मंच है जिसके द्वारा हम सामाजिक कार्य करते रहते हैं। श्री हरि सिंह बिष्ट जी भी हैं हमारे साथ, जो कि अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो मैं इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और जोशी जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो 2 शब्द वो भी कहें। जोशी जी, धन्यवाद बिष्ट जी, और धन्यवाद नेगी जी, हमारे हरि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा का हमारा जो है राष्ट्रीय कार्यालय लखनऊ में है, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। उस पहली मीटिंग में जो स्थापना हुई थी, उस दिवस पर मुझे लखनऊ में भेजने वाले हमारे आदरणीय बिष्ट जी ही हैं। इन्होंने अपने सारे पूरे खर्चे से मुझे मेरी अच्छी फर्स्ट क्लास की रिजर्वेशन ट्रेन की करा करके मुझे लखनऊ भेजा था। मुझे ये कहा था कि आप उधर सेवा आप कीजिए और उसके साथ साथ मैं आपके साथ हूँ, अभी मैं नहीं जा सकता। तब से अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा हमारा जो है ना बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही है, और विशेष करके ये स्कूलों में, यहाँ तो आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ मानिला में, सल्ट में जो भी सेवाएं बिजली कर रहे हैं वो जो है ना वो अधिक बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा और जगह भी हमारे बिजली ने हमारे गाँव तक भी इन्होंने अच्छे बच्चों को, जो अच्छे होशियार बच्चे थे उनके लिए बैग, और कोरोना काल में मास्क और भी कुछ जो है कुछ कापी वगैरह और भी स्टेशनरी के कुछ सामान बच्चों को भेजे थे। और इसके अलावा अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा, जैसे उनका हमारा बहुत बड़ा कौतिक मेला लगता है राजस्थान में, वहाँ पर उस मेले में भी इनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। और इसके अलावा उस मेले में के साथ साथ वहाँ पर और भी कुछ किसी प्रकार से गरीबों की या किसी की अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, मदद जो ये कर सकते हैं वहाँ पर ये करते हैं। और वहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट होता है उसमें भी ये वहाँ जाते रहते हैं। परिंदों को पानी पिलाना और भी अच्छे से कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री आई चेकअप कैंप, इस टाइप के कार्यक्रम भी इन्होंने कई जगह करवाए हैं। और गरीब कन्याओं की शादी में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है, कोटद्वार में और बरेली में और मुंबई में, और भी कई जगह इन्होंने जो सामाजिक कार्य थे महासभा की तरफ से उनमें इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के कार्य किया है। इनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाने में भी इनका 2018 में मैं अध्यक्ष बना था। अब कार्यकाल मेरा पूरा होने वाला है अगले साल,
तो उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा था। इन्होंने कहा आपने सेवाएं की हैं, सेवा आप करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ, मुझे हर तरह से ये इस तरह के कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जो व्यवसाय है और इनकी इनका स्वास्थ्य है और इनका परिवार सब सुखी रहें, और ये ताकि ये समाज की सेवा और अपने क्षेत्र की सेवा, विशेष करके यहाँ मानिला क्षेत्र में, ये अच्छी तरह से सेवाएँ देते रहें। और मैं इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, और नेगी जी का और बिश जी का दोबारा मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू जोशी जी। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस चीज़ को सीख को लेकर बिश जी ने अपने स्वर्गीय पिताजी की याद में एक ट्रस्ट की स्थापना की है, और अपनी जन्मस्थली झिमार और गहना इस क्षेत्र में और पूरे मानिला क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा के लिए, उनका उत्थान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। और हर साल यहाँ जो बच्चे प्रथम, द्वितीय या तृतीय आते हैं 10वीं 12वीं में, सबको पुरस्कृत करने का एक अभियान शुरू किया है, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले कि वो आगे बढ़ें और हर कोई बच्चा फर्स्ट आने की कोशिश करे। यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बिश जी को कि इस तरह के कार्यक्रमों को और भी लोगों को अपने साथ जोड़ें, और हम इस पूरा इस इलाके को, पूरा मानिला इलाके को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं और यहाँ के लोगों को अच्छी तरह शिक्षित करें। धन्यवाद।